एक वो पुराना भी चलेगा जो पहले जो ये सारा कम्प्लीट ये कम्प्लीट सर उसमें से हमारा जो आगे वाला वो जो है वो पुराना नाला उसमें भी हमने रखा है रिमेनिंग पोर्शन हमारा कितना बचा है किसमें सर इसमें ये जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है ये सर 25-30 लाख उसमें भी सर यहाँ तो ये है ना उसमें सब वर्जन अमृत में नहीं इसमें पैसा फंडिंग हुई नहीं है ये अमृत में डाइवर्ट किया था उनको पेमेंट कराया तो हुई नहीं है प्रकाश जी सर आज के दौरे के बाद आज कृष्णा नगर वार्ड नंबर 12 का दौरा किया है जी तंगराल अनेबल कॉरपोरेटर कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 14 के कपाई साहब भी और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और यहाँ के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण आज मेरे साथ हैं। यहाँ पर लगभग 3 करोड़ के ऊपर की लागत से एक बड़ा नाला दिया था, उसी के अंतर्गत जो रिमेनिंग पोर्शन है क्योंकि लेबॉरेटरी से लेकर जो और बख्शीनगर का जो पोर्शन है लेफ्ट आउट पोर्शन जहाँ से पानी जो है नीचे इस नाले में आता है और ख़ास तौर पर मेरा मानना है कि बहुत अच्छा कदम था जो विधायक होने के नाते मैंने जो शुरुआत की थी उसी के नाते आज मेरा मानना है कि जब हम लोग चाहते हैं और ये आज जो कोई रिमेनिंग पोर्शन था उसको वेरीफाई किया है जहाँ पर जो गंदगी है क्योंकि एक बार लैंटर यहाँ पड़ जाएगा तो जो नीचे गंदगी है उसको साफ़ करना मुश्किल होगा, उसी के अंतर्गत आज यहाँ के अनेबल कॉरपोरेटर ने एक दरख्वास्त की थी UED और PHE के डिपार्टमेंट को लेकर क्योंकि कुछ पाइप्स जो हैं इस नाले के भीतर से जा रही हैं जो गंदा पानी आम जनता को मिल रहा था हमने कोशिश करके उन पाइपों को जो है उस लेंटर के ऊपर से निकालेंगे ताकि लोगों को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मैं यहाँ के गणमान्य नागरिकगण का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और उनसे तवक्को भी करना चाहता हूँ कि बिल्कुल मंदिर के बाहर वाला एरिया है यहाँ की स्वच्छता का भी जो है वो ख्याल रखें। देश के प्रधानमंत्री का भी एक सपना है और हम सब भी मिलकर एक अच्छा स्वस्थ वातावरण बनाएं तभी ये पॉसिबल हो सकता है। एक बहुत प्राचीन गुरुद्वारा है ये गुरु रविदास जी महाराज का और मेरा मानना है कि इसको स्वच्छ रखने का भी हम लोग जो है उपयोग करें।